ठीक है, आज पहली बार शादी के बाद मैं अकेले जा रही हूँ बिजनौर। वो भी यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और फेस वॉश कर लिया है, पर अब से मुझे डेली गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अलेक्जेंडर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हो चुकी है सुबह और सुबह सुबह उठ के अब मैं यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टी चल रही है हमारी, ग्रीन टी तो ज़्यादा गर्म हो गई थी इसलिए मैंने आज पी नहीं थी, थोड़ा लेट कर दिया मैंने, थोड़ी ठंडी हो जाए। तो गाइज आज जाने वाली हूँ मैं कहाँ, चलो आज आपको बहुत यानी कि मेरी शादी से पहली यादें हैं, गई तो मैं बाद में हूँ पर शादी से पहली यादें हैं जो सब यहाँ पे बैठते थे। तो आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर निखिल, यानी कि जो बिजनौर में स्किन वाले डॉक्टर हैं। तो देखते हैं आज कब, आज यानी कि यहाँ नजीबाबाद में तो मैं शुरू में तब जाती थी तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि वो बिजनौर में बैठते हैं नहीं बैठते, तो मुझे नजीबाबाद का ही पता चला था कि नजीबाबाद में बैठते हैं। तो मैं नजीबाबाद गई थी तो यहाँ पे तो मैं अकेली जाती थी, ठीक है, शादी और मनीष के साथ जाती थी वहाँ पे, ठीक है। आज पहली बार शादी के बाद मैं अकेले जा रही हूँ बिजनौर, वो भी ठीक है, सारी प्रॉब्लम है जिनके लिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो चलो मिलते हैं तैयार होने के बाद, पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है बॉबी का अपना, और फिर करने के बाद चलते हैं। धूप भी आज बहुत तेज़ हो रही है पर गर्मी नहीं है, ठंडा होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो चलो अपनी क्रंची। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि आज से मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं एक्सरसाइज करके हटी हूँ, सांस नहीं आ रही, थोड़ी देर में बैठ भी गई हूँ फिर भी सांसें वापस नहीं आ रही, सर घूम गया पहले वाले दिन, आज ही करनी थी, आज मुझे फिर और जाना था यार, आज नहीं करनी थी, कल से करनी थी, कोई बात नहीं, आज मैंने ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम किया। तो ये जो हो रहा है ना मोटे डोले, अब पेट भी हो रहा है अब, तो अभी ने कम करने के लिए कुछ तो एक्सरसाइज करनी पड़ी, पर हमेशा गाल मेरे कभी नहीं भरते, पता नहीं क्या ही है। चलो कोई बात नहीं, चलो तो बनाते हैं बॉबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद निकलते हैं बिजनौर के लिए। 10 बजे निकलूँगी, अभी 8 बज रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, 10 बजे मैं निकलूँगी बिजनौर के लिए, 11 बजे बिजनौर पहुँच जाऊँगी, डॉक्टर बैठ जाते हैं 11 बजे, फिर डॉक्टर से मिलेंगे, अब फिर आ जाएंगे अपने घर वापस दवाई लेके। फाइनली आज मैं जा रही हूँ हिम्मत करके, काफ़ी टाइम से जाना था, कोई बात नहीं। इस तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, स्लीपर डाल के जा रही हूँ क्योंकि शूज़ में गर्मी लगेगी इसलिए। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं पहुँच के सीधा बिजनौर, नहीं बिजनौर नहीं, पहले सबसे पहले मिलेंगे हम बस स्टैंड यार, आज क्योंकि बस से जा रही हूँ इसलिए सबसे पहले मिलेंगे बस पे, उसके बाद मिलेंगे बिजनौर। आज अकेले घूम के आते हैं बिजनौर। तो फाइनली यहाँ पे गाइज मैं निकल चुकी थी, अकेले जा रही थी इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था कि पहले रिक्शा रोकी अकेले फिर उसके बाद बस में, तो मैंने सोचा एक शॉट ले लेती हूँ। और बस में तब मैं बैठी भाई, मैं खिड़की के साइड बैठी, इतनी हवा चल रही थी मेरे सारे बाल खुल गए क्योंकि मैं बहुत रबड़ वैसे डालती हूँ, बैंड जो डालती हूँ अपने बालों में बहुत हल्का डालती हूँ, तो इसलिए पूरा खुल पकड़ पकड़ के बैठी थी। मैं सोचा एक वीडियो बनाती हूँ अपनी इस तरह से कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी बिजनौर, तो इस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ बिजनौर और मैं रिक्शा में बैठी हूँ। घर में गर्मी नहीं लगती और बाहर इतनी गर्मी है, उसके ही बताएं। गाइस यहाँ पे मैं बैठ के कर रही थी वेट कब नंबर आएगा, क्योंकि आज इतने पेशेंट थे, पर फिर भी सर हमेशा मुझे पहले बुला लेते हैं, हमेशा मेरा पहले हो जाता है, ठीक है, मुझे एक घंटे में मैं फ्री हो गई थी। तो गाइस यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो गाइस फाइनली लेज़र हमारा डन और अब हम लेने जा रहे हैं दवाई। ओहो धूप। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी दवाई भी और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से बस स्टैंड की साइड, तो ठीक है बस में बैठ के आपसे मिलते हैं, बंद कर लेते हैं फिर, घूमने का तो है नहीं। चलो तो गाइस मिलते हैं बस में बैठने के बाद। तो गाइस फाइनली पहुँच गई हूँ नजीबाबाद और धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ हो रही है और मेरी हालत भी बेकार हो गई है।
दवाई भी पन्नी में दिया, पन्नी पकड़ के चलनी पड़ रही है। चलो गाइस मिलते हैं घर पे पहुंच के। अभी मैं मुझे थोड़े से फ्रूट लूंगी फिर जाऊंगी। हे गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और आके मैं नहा भी ली हूँ, फेस वॉश भी कर लिया है और फेस वॉश कर लिया है। पर अब से मुझे डेली, यानी सनस्क्रीन तो मैं डेली लगाती हूँ पर अभी कुछ टाइम से, एक महीना हो गया था मैंने यूज़ नहीं की थी, छुट्टी हुई थी तो कोई नहीं आज मैं ले आई हूँ। तो चलो करते हैं सनस्क्रीन। की जो रेडनेस हो रही है ना फेस पे, जो ट्रीटमेंट होता है उससे हो जाती है। मैं तो चले तेरी तो आज सर गाइज ने मेरी तारीफ, गाइज ने तारीफ तो गाइज आज सर ने मेरी तारीफ करी कि टचवुड तुम्हारा, यानी कि तुम्हारे पिंपल नहीं हो रहे, पिंपल्स तो एक भी नहीं है। मैंने कहा हाँ सर, तो मैंने सर को बताया अपना यानी कि हर्बल लाइफ के बारे में कि हाँ मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, जो हर्बल लाइफ में यानी कि स्किन बूस्टर है। तो कह रहे चलो टचवुड अच्छी बात है कि अच्छे हैं उसके। मैंने कहा सर बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, मैंने इतनी दवाई खा ली। पर हाँ तब तक दवाई खाओ तब तक ठीक रहते, ये नहीं कि दवाई से ठीक नहीं होते, होते हैं दवाई से ठीक। जिसकी ज़्यादा हालत ख़राब है तो दवाई लें, क्योंकि फिर मेरी इतनी उस टाइम पे थे नहीं जो इतनी जल्दी ठीक हो गए। चलो तो सनस्क्रीन लगाते हैं और कुछ खाते हैं, दवाई दिया दवाई खाई है। मैं तो चले तेरे को, मैं तो चले है, तू खा ले मैं खा लूंगी, खा ले बिल्कुल एक चम्मच, मुझे पसंद नहीं है ठीक है। दूध लिया तो चाय बना लेते हैं, दूध लिया ला मैं कर दूंगी। तो वैसे चलो पीते हैं चाय और खाते हैं अपने पराठे जो हम सुबह बनाते गए थे, पराठा प्याज दवाई बनाने। मैं तो चल लिया तो हम हो गए हैं गोरे यहाँ पे हो चुकी है रात और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं आज ये भर के ग्लास में पानी मुझे कम पड़ जाता है तो इसलिए मैं ये भर के पी रही हूँ। वैसे यहाँ पे हो चुकी है रात और अब मैं जाऊँगी सोने। तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ कि रात हो चुकी है, क्योंकि हमेशा मेरा ब्लॉग बातों बातों में मैं भूल जाती हूँ बनाना डेली। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह कल स्टार्ट करूँगी दूसरा ब्लॉग, तो मैंने इसलिए आपके लिए गुड नाइट। तो नेक्स्ट व्लॉग में नहीं मिलते हैं, सुबह इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं सुबह। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। तो अब सुबह सुबह मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाई थी तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद व्लॉग के मजे लो, अगर कुछ अच्छा हो तो। अगर अच्छा लगता है तो मजे ही आएंगे, नहीं लगता है तो। अगर हमारा चढ़ा अच्छा लगा, मैं ब्लॉग भी कम ही डाल रही हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे, इतनी मेहनत करो आते हैं नहीं, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता वीडियो में। तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। जब मैंने रात बोला था सुबह ब्लॉग बनाऊंगी, तो यहाँ पे मेरी चाय और मैंने अपने लिए बनाया है पोहा, अभी अभी लेके आई थी, शॉप ख़त्म हो गया था तो इसलिए कल भी नहीं खाया था, मेरा मन अजीब सा रहता था तो मैं पोहा ना खाऊँ। और आज मैं फिर से वही मास्क लगाने वाली हूँ, मुझे लगता है यार तेल से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना इस मास्क से पड़ रहा है, जो मैंने बायोटिक का लगाया था। तो मैं दही लेके आ गई हूँ, थोड़ी ठंडी हो रही है अभी, ये फ्रिज में रखी हुई थी तो ये ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम लगाएंगे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ठीक है। हे गाइस तो यहाँ पे आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, तो इस पर रख लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कोई लोग ऐसे कर ऐसे रख के ही खाने में मज़ा आता है, तो मैं इसलिए ऐसे रख लेती हूँ। पंखा चल गया, आवाज़ आएगी नहीं, चाय मेरी गिरी, अच्छा मैं दो दो चम्मच ले आई तो गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मास्क लगाएंगे फिर अपना थोड़ा बहुत जो काम है, सफाई का इतना काम नहीं है क्योंकि मैंने कल परसों अच्छे से कर दी थी, पर पोछा झाड़ू होगा। तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं इससे आगे ब्लॉग बनाना भूल गई, तो ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।